हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर विद न्यू टॉपिक दैट इज चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, व्यवसायों में बदलाव। लेट्स स्टार्ट। इन ओल्डन टाइम्स द किंग्स पैलेस प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू गार्ड्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, सोल्जर्स, वीवर्स एक्सेट्रा। पुराने समय में राजा का महल रोजगार प्रदान करता था दरबानों को, मंत्रियों को, सलाहकारों को, सिपाहियों को, बुनकरों आदि को। द फार्मर्स ग्रीव क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड सप्लाइड देम टू द पैलेस। किसान फसलें उगाता था, सब्जियां उगाता था, अनाज उगाता था और फल उगाता था और उनको महल तक पहुंचाता था। ग्रेजुअली द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो चेंज्ड। धीरे धीरे रोजगार का दृश्य बदल गया। मैनी न्यू सिटीज एंड टाउन्स अरोज विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत से नए शहर और कस्बे पनपे उद्योगों के विकास के साथ, यानी नए शहर और कस्बे बन गए जब उद्योग लगे तब। दे रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड डिजाइनर्स। उनको अब व्यावसायिक लोगों की सेवाओं की जरूरत पड़ी, जैसे कि इंजीनियर्स की, चिकित्सकों की, वैज्ञानिकों की, अध्यापकों की और डिजाइनर्स की, जो कपड़े वगैरह के डिजाइन बनाते हैं वो। द अनस्किल्ड पीपल हैड टू सेटल फॉर द जॉब्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर, रिक्शा पुलर्स एटसेट्रा। और जो अकुशल लोग थे, जिनको कोई विशेष हुनर नहीं था काम करने का, वो उन्होंने काम करना पड़ा निर्माण स्थलों पर मजदूरों के रूप में, रिक्शा खींचने वाले आदि के रूप में। इन द सिटीज, शहरों के अंदर जो अनस्किल्ड लोग थे, उन्होंने मजदूरों और रिक्शा खींचने वालों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। देर वर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड पीपल आल्सो लाइक टेलर्स, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स एटसेट्रा। जो स्किल्ड लोग थे, जो कुशल लोग थे, जिनको विशेष काम का हुनर था, उनकी नौकरियों के अवसर भी थे, जैसे कि दर्जी के लिए, ड्राइवर के लिए, बढ़ई आदि के लिए। यानी जो किसी विशेष काम को जानते थे, ऐसे लोगों के भी नौकरियों के अवसर थे। द रिसेंट रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी हैज कम्प्लीटली चेंज्ड आवर लाइफ। हाल ही में तकनीकी में जो विकास हुआ, उसने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। टेक्नोलॉजी इज द साइंस और नॉलेज पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इन्वेंट यूजफुल टूल्स। तकनीकी एक विज्ञान है, या वो ज्ञान जो हम व्यवहारिक प्रयोग में लाते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए या फिर नए उपकरण खोजने के लिए। तो तकनीकी एक प्रकार की विज्ञान है जिसके द्वारा नए उपकरण भी खोजे जाते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके भी अपनाए जाते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन इज ए प्रूफ ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस्ड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग और मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना, ये इस बात का सबूत है कि कैसे तकनीकी ने समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया है पूरे संसार के अंदर। यानी पूरे संसार के अंदर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट दिखाई देता है। इट हैज़ मेड ट्रैवल, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड डाटा स्टोरेज वेरी इजी। टेक्नोलॉजी ने यात्रा, संचार, शिक्षा, लर्निंग और जो डाटा स्टोरेज होता है उसको बहुत आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, मोबाइल इंजीनियर्स एटसेट्रा।
तकनीकी के विकास ने हजारों नई नौकरियां बना दी है, नई नौकरियों की रचना कर दी है। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी नई नौकरियों के अवसर हो गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को विकसित करते हैं वो, क्लाउड आर्किटेक्ट वो होता है जो इंटरनेट में कुछ नए काम करे, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करे वो, और मोबाइल इंजीनियर आदि। तो यानी टेक्नोलॉजी की वजह से और भी नए ऑक्यूपेशन डेवलप हो गए हैं। द सिटीज एंड टाउन आल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल। शहरों और कस्बों में गैर व्यावसायिक लोगों की सेवाओं की भी जरूरत होती है, यानी नॉन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी भी जरूरत हमें होती है। दे आर, वे हैं ए नंबर पर स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर होता है कुशल श्रम, यानी वो लोग जिनके पास कोई विशेष हुनर होता है, जैसे कि टेलर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर, दर्जी, बढ़ई और पाइप वगैरह नल आदि को ठीक करने वाला। बी, सेमी स्किल्ड, अर्ध कुशल लोग। इनमें आते हैं पीपल लाइक बेकर्स, क्लीनर्स, वाशरमैन। अर्ध कुशल मतलब इनको, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, थोड़ी बहुत उनके पास हुनर होता है, जैसे कि बेकर्स जो केक वगैरह बनाते हैं, बिस्किट वगैरह बनाते हैं, क्लीनर्स ये ड्राई क्लीनर वगैरह कपड़ों की जो करते हैं, और वाशरमैन धोबी वगैरह। अनस्किल्ड लेबर अकुशल श्रम वाले में वो आते जी, यानी जिनको कुछ नहीं आता, कोई विशेष उनके पास हुनर नहीं होता, उनमें आएंगे वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कुलीज, पोर्टर्स एट रेलवे स्टेशन एटसेट्रा। उनके अंदर आएंगे अनस्किल्ड लेबर्स के अंदर जो निर्माण स्थलों पर, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है वहाँ पर काम करने वाले, कुली, बोझ ढोने वाले, रेलवे स्टेशन आदि पर जो सामान उठाते हैं वो। नेक्स्ट, लिस्ट फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डू फॉर यू। कोई पांच प्रकार के लोग बताने हैं आपको, लिखने हैं यहाँ पर, जो आपके लिए काम करते हैं। ये आप एक्सरसाइज सोल्व करना। थैंक यू बेटी।